तुझे बात में जाता है, तू थोड़ी सी ढील देता, तू ये लोग तो कितनी सकती है। गाइस गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 5 और यहाँ हो रही है हम दोनों की पार्टी, जो पार्टी पार्टी हो रही है, पार्टी पार्टी। सो ये बनी, एक्चुअली बनी वच को बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा, नहीं मान रहा है भैया, है भैया नहीं मान रहा है, क्या कर रहा है भैया, परेशान कर रहा है। अरे बाप रे, बस बनी को वाशु पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है और बनी उसको सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन वाशु नहीं सोता, वाशु बनी के साथ नहीं सोता है। वाशु बोलता भैया थोड़े बड़े हो जाओ तब सुनाना, है ना वाशु? ऐसे नहीं बनी, देखो रो गया रो गया, चुप हो गया। तो चुप हो गया तो मतलब क्या है, चुप हो गया तो और रुलाना है भाई। हाँ मम्मा ने आपके लिए पता है क्या बनाया, खाना है आपको, बनाऊं? सो मैंने बनी के लिए फ्रिज फ्राइज बनाए हैं, इसलिए सो वो मैंने फ्रिज करने के लिए रख दिए थे। अब भी आई हैव नो आइडिया कि उनको कितना देर के लिए फ्रीज किया जाता है, आई थिंक 2 घंटे के लिए तो किया ही जाता होगा, मिनिमम 2 आवर्स तो होते ही होंगे, इसलिए तो देखती हूँ कितने हैं। पवन गए हैं अंबुजा मोर अपनी सब फ्रेंड्स को, फोन वहाँ पे क्या बच्चा, तो वो वहाँ पे गए, तीनों यहाँ मस्ती कर रहे हैं, इधर देखो बुझ 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 कूट 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 वहीं पे रखा है बच्चा, कुछ भी नहीं उठाया मम्मा ने वहाँ से, नहीं खो गया वो, नहीं खोया है मम्मा, बोल रही हूँ मम्मा ने कुछ नहीं उठाया वहाँ से। भैया कहाँ गया? हाँ नून, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, काम मेरा बहुत देर का ख़त्म हो गया है सारा, बस कपड़े रह गए हैं वॉश करने, सोफ कर रही हूँ, हालांकि अभी तो बर्तन भी रह गए हैं, बट अभी क्या है जब से मेट लगाई हैं कप बर्तनों का मुझे याद ही नहीं रहता कि वो मेरे काम में भी आते हैं, इसलिए तो अभी तो कपड़े लगा रही हूँ मशीन में। पानी आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ड्रेन कर देती हूँ उसके बाद में करूँगी, इसलिए कहीं पर काशीफल बन रहा है, कुमड़ा बन रहा है, उसकी बहुत खुशबू आ रही है। तो ये ड्रेन हो गया, हाँ इतना बहुत है, सब इसमें सारे कपड़े डाल देती हूँ। वॉश करने के बाद थोड़े से बर्तन हैं वो वॉश करने हैं, चाय बनानी है और कुछ नहीं करना है, फिर बस सोना है, इसलिए बच्चे सो रहे हैं दोनों, दोनों को सुला दिया है, तो इसलिए और नहीं करना है अभी। पता है मैं हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट बाथरूम साफ़ कर देती हूँ तो मुझे थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हैंगर नहीं है जिसमें ये थोड़ा सा हैंग और होता है जिसमें ये साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह रख जाते, सो वो नहीं है, ऐसे थोड़ी सी वो रहती है, वरना नीचे रहते हैं ना पूरा गंदा गंदा हो जाता है, हर तो होने के बाद गंदा हो जाता है, इसलिए सो अभी जाऊँगी। कुछ जियो मार्ट से सामान मंगाया था तो वो भी सेट करना है, तो उसको भी सेट कर दूंगी, वैसा कुछ नहीं है जो इसमें लगाना है, डब्बों में सेट करना है, वैसा ही है नॉर्मल वाला। सो चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या। सो यहाँ पे ये बिल है, ये जियो मार्ट से मंगाया है, सो फ्री डिलीवरी रहती है, तो इसलिए ये बहुत चीज़ बहुत अच्छी है। ये काले चने ब्राउन चना, इसलिए क्योंकि मैं अभी उसकी सब्जी भी बनाने लगी हुई है, नॉर्मली भी पवन उसे खाते हैं तो वो, और ये मिक्सचर पवन यही वाला खाते हैं तो ये वाला, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ना, ऑनलाइन में अपने हिसाब से चीज़ें डिसाइड करके ले पा रही थी, वरना घर पे जब चीज़ें डिलीवर होती हैं मतलब ये पवन लेने के लिए जाते हैं तो मुझे पता भी नहीं होता ये क्या लेके आएंगे, परचम मैं बना के देती हूँ बट डोंट आइडिया क्या लेके आएंगे। एक पार्ले जी, क्योंकि मैं बिस्किट लिखती हूँ, बिस्किट में सिर्फ पार्ले जी आता है जो कि ये खाते हैं, ये बनी के लिए चॉकलेट का बिस्किट, ये बर्बन, ये रोस्टेड मैं से क्या बोलती हूँ, मैं इसे सैमरी बोलती हूँ, कुछ लोग अलग अलग चीज़ें बोलते होंगे वैसे इसे बोलते हैं रोस्टेड वर्मेसिली, वर्मेसिली इसे
ये विदाउट रोस्टेड है, ये मुझे रोस्ट करनी पड़ेंगी। एक चिंच नूडल्स का पैकेट और सॉल्ट, बस इतना सामान है। ये डब्बे सब यहीं से हटाने हैं इसलिए, तो इनको तो पैकेट में निकालना है, लेकिन पहले ये ख़त्म हो जाए फिर इसके बाद। चाय बनाने के लिए रख दी है, अब मुझे करने हैं ये बर्तन, अभी वॉश कर देती हूँ क्योंकि दो तीन बर्तन चाहिएंगे उसके लिए, चाय कप चाहिएंगे इसलिए, और मुझे मग भी चाहिए चाय के, बट वो मेरे ख्याल से जियो मार्ट पे अवेलेबल है नहीं है, वो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। आई थिंक डब्बे वगैरह जियो मार्ट पे अवेलेबल नहीं है डिलीवर करने के लिए, इसलिए तो वो मैं ऐसे ही देख लूँगी इसलिए। तो अभी जाती हूँ एक बारी, पति इसमें जियो मार्ट में डब्बे वगैरह भी नहीं रहते ना? डब्बे हाँ, प्लास्टिक के डब्बे हाँ रहते हैं ना, रहते हैं। तो वो तो एक किलो अंदर लटका रहे, कौन सा एक किलो अंदर लटका रहे, लटका दिया डेड बॉडी सा तुमने, देखा कब करने हैं, क्या क्या कप डिब्बे कप 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 तो मग प्लास्टिक मग बात मग ये हो जाएंगे ना, नहीं है आई थिंक ये चीजें नहीं रहती हैं इसमें, फोटो भी चीज नहीं है, कुछ नहीं कांच के तो है, कांच एक ग्लास मंगा लो, कांच एक ग्लास 99 रुपए के हैं यार, बे सही तो है, यूज़ होते नहीं है, मंगा लो, क्यों नहीं यूज़ होते, क्या यूज़ है, हो गए यूज़ होता नहीं, यूज़ होते कहाँ तक ले गए तो बे, तुमने मुझे ब्लॉक किया है, मैंने तुम्हें ब्लॉक किया किससे, हाँ से ऐसे एवरीवन, शाम के हो रहे हैं, पता नहीं चार से ज़्यादा हो रहे हैं, बस इतना पता है पाँच बज गए, पाँच बज गए, मैंने अभी जस्ट पनीर को दूध लाया था बट उसने नहीं पिया, हाफ ग्लास भी नहीं पिया है, और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया, मैंने कहा इससे ज़्यादा एनर्जी मुझमें नहीं है। आज मैंने वाशु के हाथों के जो वो थे वो क्या बोलते हैं इनको, जो नज़रियाँ होती हैं वो निकाल दी हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे गड्ढा टाइप का हो गया था इसलिए। सो अभी मम्मी को फ़ोन करूँगी, अगर वो लोग वहाँ से पोस्ट कर देते हैं देन बहुत अच्छा होगा। अरे बाप रे, तुम तो हर समय भूंजू भूंजू करते रहते हो, भूंजू भूंजू हैं, अच्छे से गुड बॉय की तरह नहीं रहते हो। तो बनी अंदर है, टीवी देख रहा है, पापा काम कर रहे हैं, और मैं और वाशु बाहर बैठे हैं, बट आज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, अभी से इतनी उमस होने लग गई है, पता नहीं क्या होगा लास्ट तक, तो बारिश पड़ जाएगी तब अच्छा होगा है भाई। अच्छे से पहले गर्दन संभाला करो, क्यूट बच्चों की तरह हैं, अच्छे बच्चों की तरह, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है इस टाइम पे, इतनी गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा, तो अभी लेके चलते हैं वाशु को अंदर, है ना, अंदर चलना है ना, सही यस, कैसे हो रहे हो हैं,
के छू रहे हो, जिसे कितना सीधा बच्चा है, एकदम शैतान बच्चा है भाई, एकदम शैतान बच्चा बनी अंदर है। वो पता नहीं क्या कर रहा है अंदर, आई थिंक तो बस सोफे पे बैठा होगा। नो वेयर इज ही, ओ माई गॉड लुक एट हिम। क्या कर रहे हो बिटू? ये डेस्कटॉप को निकाल दिया तुमने? क्यों? बट वाई? तो वाशु को इधर लेटा देते हैं, लेटू लेटू करा देते हैं भाई। हाँ लेटू लेटू नहीं करना। हाँ किसी करोगे मम्मा, किसी करोगे? तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए सो यहाँ पर लाइट लग रही है ना, तो एकदम स्टेप से फोकस आ रहा है। ए भाई ए भाई। सो चलिए अब इस वीडियो को कर दी यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट्स करके बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।